नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और क्रिकेट एडिटर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केकेआर के स्टार ऑलराउंडर सुनील नारायण ने इंडियन प्रीमियर लीग के शुरू होने से पहले एक मैजिकल स्पेल डाला है, जहां उन्होंने 7 मेडन ओवर्स डाले हैं और 7 विकेट्स भी लिए हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये कारनामा उन्होंने किस टीम के लिए करके दिखाया है। दरअसल IPL के लिए वो इंडिया की फ्लाइट पकड़ने ही वाले थे कि उनकी फ्लाइट डिले हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो क्रिकेट क्लब डिवीजन 1 में खेलने का डिसाइड किया, जहां क्वींस पार्क क्रिकेट क्लब और क्लार्क रोड यूनाइटेड के एक मैच खेला जा रहा था और सुनील नारायण क्वींस पार्क के लिए खेल रहे थे। उन्होंने अपने पिछले 3 मैचेस में 31 विकेट्स लिए हैं, जिसमें 4 बैक टू बैक 4 विकेट्स ऑल शामिल है। लेकिन उन्होंने उस मैच में अपने 7 मेडन ओवर्स और 7 विकेट्स के साथ सारे बल्लेबाजों को कश्मकश में डाल दिया था। उनके इस बेहतरीन स्पेल की वजह से ओपोजिशन सिर्फ 76 रनों पे ही ऑल आउट हो गई थी। उनकी ये परफॉर्मेंस उनको IPL के लिए बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी और इससे KKR की टीम को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हाल ही में एक खबर आई थी जहां पता लगा था कि श्रेयस अय्यर इस साल का IPL नहीं खेल पाएंगे, तो अब सवाल यह है कि इस साल KKR की कप्तानी कौन करेगा। और सूत्रों के हवालों से यह पता लग रहा है कि हो सकता है कि इस साल की कप्तानी सुनील नारायण करें। KKR इस सीजन का अपना पहला मैच 1 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलेगी, तो देखना यह होगा कि इस साल का IPL KKR के लिए कैसा रहेगा। हम ऐसे ही आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।